Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. मेरे बालों को last time देख लीजिएगा इतने लंबे क्योंकि मैं जा रही हूँ हेयर कट कराने के लिए. मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था आज सुबह उठते ही क्योंकि मुझे आज हेयर कट कराना बहुत जरूरी है वरना इस वीक के बाद फिर मैं करा नहीं पाऊंगी. हाँ, और वैसे भी आज फ्री थी मैं, सनी ऑफिस गए हुए हैं तो मैंने सोचा कि हेयर कट करा लूँ. और मैं कुछ ऐसे तैयार भी हूँ आज, एकदम ऐसा वाला पैंट और ये शर्ट पहन के. और मेरे बालों का लेंथ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितने लंबे आए हैं. ये ऑलमोस्ट यहाँ ना पैंट के अंदर ऐसे यहाँ तक आ गए हैं ना. वो हेयर कट ऐसा वी शेप में है तो आपको इतना ज्यादा समझ नहीं आता है. जब मैं ऐसे आगे डालती हूँ तो ये मैंने छोटे कर लिए थे तो इसीलिए आपको समझ नहीं आता होगा, बट देन बहुत लंबे आ गए हैं. एंड आजकल यार वो होता था पहले कि हम बाल मैनेज कर सकते थे, अभी ना ऐसा लगता है कि जितना कम मैनेजेबल हो उतना मजा आता है. तो इसीलिए अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया, कॉफी पी इनफैक्ट, और एक एग वाइट खाया मैंने. सनी तो नॉर्मल खा के ऑफिस चले गए थे तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर फटाक से. अभी मेरे पास कितना 15 मिनट्स का टाइम है निकलने के लिए तो मैंने सोचा कि व्लॉग को स्टार्ट कर दूं एंड आपको कंटिन्यूएशन दिखाती हूं. और सिंगापुर में पहली बार मैं सैलून में जाके हेयर कटा रही हूं, बाल कटा रही हूं. हेयर कटा रही हूं क्या था एक्चुअली एक बार मैं पहले गई थी बट वो हेयर कट टाइप्स नहीं था क्योंकि उसमें मैंने स्प्लिट एंड्स कटवाए थे, वो हेयर कट टाइप हेयर कट नहीं था. तो इसीलिए इस बार का जो है ना वो हेयर कट होगा प्रॉपर, जो कि मैं जाके हेयर स्टाइलिस्ट से हेयर कट करा रही हूँ. स्टाइलिस्ट हेयर कट बोल के लिखा था उसमें तो मैंने वो ले लिया था पैकेज, तो इसलिए वहां जाके करा रही हूँ. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से बैठूं और कोई मेरे बाल काटे एंड अच्छे काटे. मैं भी काट लेती हूँ मेरे अपने खुद के बाल, मैं हमेशा मैं ही हेयर कट करती हुई आई हूँ इतने सालों से. आई थिंक लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी तो मेरी फ्रेंड प्रतिभा ने काटे थे मेरे बाल, उसके बाद मैंने हेयर कट करवाया ही नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि कोई आराम से अच्छे से बैठ के मेरे इन जुल्फों को काटे जो कि अभी झाड़ू जैसे काफी बन चुके हैं. जैसे मेरा स्किन मॉइस्चर खो रहा है मेरे बाल भी मॉइस्चर खो रहे हैं धीरे धीरे, बट देन हाँ ऑयलिंग वगैरह कर रही हूँ मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो होपफुली अच्छे हो जाने चाहिए फिर से. यार ये सब बाल स्किन ना कुछ खराब होता रहता है फिर अच्छा होता रहता है, तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का. और हाँ चलिए फटाक से रेडी होते हैं और मैं आपको मिलती हूँ रास्ते में एंड जैसे भी मैं आपको ये कंटिन्यूएशन दिखाती रहूंगी व्लॉग में. तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ. रेडी क्या है, सनस्क्रीन लगाया एंड थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया डिफरेंट शेड क्योंकि मैं पिंक का आजकल लगाना ही छोड़ दूँ काइंड ऑफ. और बारिश आ रही है आज फॉर अ चेंज यू नो, तो अच्छा लग रहा है बारिश देख के ना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे यार बारिश नहीं थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी हो रही थी ना, थोड़ी सी बारिश आने लग गई है तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी क्योंकि क्रॉसिंग करना है मुझे घर के पास से. दूसरी जगह से जा सकती हूँ बट मेरी पैंट थोड़ी सी लंबी है तो गीली हो जाएगी और वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगती रहेगी फिर मुझे कंटिन्यूस. तो इसीलिए देखिए बारिश दिखाती हूँ मेरे को, इतनी तेज़ नहीं है कंपेरेटिवली बट है थोड़ी थोड़ी सी बारिश. हो रहा मेरा एक्सरसाइज का स्पॉट जहाँ मैं जाती हूँ बट हाँ थोड़ी सी हो रही है बारिश. सो निकल चुकी हूँ एंड लिफ्ट में एक ही लाइट जल रही है पता नहीं क्यों, और मैंने अम्ब्रेला ले ली है. चलते हैं और मैं 15-20 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी एंड फिर आपसे मिलती हूँ वहाँ पे. एक्साइटेड फॉर माई न्यू लुक, लेट्स सी. एज अब मैं नॉर्मल हेयर कट ही कराऊँगी मैं. तो जिस मॉल में मेरा हेयर कट का अपॉइंटमेंट है वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं. अभी बस प्राची का मैसेज आया था कि सेफोरा से उसको कुछ चाहिए तो वो भी मैं देख लूँगी हेयर कट के बाद, क्योंकि हेयर कट का अपॉइंटमेंट में सिर्फ 10 मिनट बाकी है तो फर्स्ट वो देखूँगी फिर मैं उसकी चीज़ भी खरीद लूँगी. तो वो रहा सैलून जहाँ से मैं हेयर कट कराने वाली हूँ, ये देखिए एवॉन इसका नाम है. चलिए चलते हैं. मेरे पीछे देखिए विंग्स आ गए है ना. सो अभी सिर्फ 2-3 हेयर स्टाइलिस्ट ही हैं यहाँ पे तो उन्होंने मुझे वेट करने बोला है 10 मिनट और मैं टाइम से थोड़ा पहले पहुँच गई हूँ, एक कितने 8-9 मिनट पहले पहुँची हूँ तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ. और
हेयर कट करने से पहले हमेशा ऐसा ही लगता है कि कट करा लें, फिर बाद में एक बार को तो हेयर कट होने के बाद लगता है कि थोड़े से लंबे रहने चाहिए, तो इसलिए मैं लेंथ को टच नहीं कर रही हूँ, लेंथ उतना ही रखूँगी मैं, ज़्यादा छोटा नहीं कराऊँगी क्योंकि सनी को लंबे बाल पसंद है मेरे ऊपर, तो इसलिए ज़्यादा छोटे नहीं कराऊँगी, बट आगे से मैं थोड़े से बैंग्स कराऊँगी, आई थिंक मे भी यहाँ तक के बैंग्स कराऊँगी, देखते हैं कैसा होगा। वो फाइनली हेयर कट स्टार्ट हो रहा है और मैंने बता दिया मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे पानी भी दिया है तो मैं पानी पीऊँगी थोड़ा सा। सो अभी मेरे बालों में कुछ ट्रीटमेंट लगा के छोड़ा है इन्होंने, क्योंकि वो मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था, हेयर कट, वॉश, ब्लो ड्राई और ट्रीटमेंट बोल के। तो मैंने पूछा कि क्या है, कंडीशनर लगाया है क्या, उन्होंने बोला कि प्रोटीन देता है आपके बालों को ज़्यादा, पता नहीं उनको ही पता कितना सच कितना झूठ, बट देन लगा के छोड़ा है उन्होंने बोला कि प्रोटीन आएगा। एंड सिंगापुर का वेदर इतना गंदा हो गया आजकल, उसकी वजह से और ज़्यादा बालों में इतनी स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने की वजह से बार बार हेयर फॉल होता है, आपको हेयर वॉश लेना पड़ता है बार बार, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो अभी बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि इतने सालों में मैं कभी ऐसा रिलैक्सिंग वाला ट्रीटमेंट भी नहीं ली थी, इंडिया में भी जो हेयर कट लिया था मैंने फटाफट हेयर कट, वॉश, ब्लो ड्राई हुआ था, तो बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है, मैं आराम से उस वजह से आँखें बंद करके सो गई थी, फिर अंकल ने मुझे उठाया कि ट्रीटमेंट लगा रहे हैं, वो बोल के करते हैं हर चीज़ कि अभी ये कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं बोलिए। सो देखते हैं इसके बाद रिजल्ट कैसा आता है एंड मैं आपको बताती हूँ। फाइनली मैंने कुछ ऐसा हेयर कट कराया, बहुत ही शॉर्ट करा लिए मैंने, और पीछे से मुझे नहीं पता कैसे दिख रहे हैं, मैं उनको बोल सकती हूँ लेने के लिए, बट कुछ ऐसे दिख रहे हैं, या घर जाके दिखाती हूँ मैं पीछे से, ठीक है। तो अभी तो ऐसे लग रहे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगा हेयर कट, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है। सो बाल कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, मैं बहुत खुश हूँ मेरे हेयर कट से, क्योंकि इतना लाइट फील हो रहा है मालूम, वरना इतना मुझे हैवी लगता था, इतना लाइट फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा बोझ निकल गया मेरे सर के ऊपर से ना। ज़रूर बताना कैसा लग रहा है मेरे हेयर कट, पहले वाला अच्छा था कि अब भी अच्छा लग रहा है, ज़रूर बताना, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा, यू नो। अब सनी बताएंगे कि कैसा लग रहा है, एंड मम्मी को मैंने सबसे पहले वीडियो कॉल करके दिखाया, मम्मी ने बोला बेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मम्मी को पता है मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, सो मम्मी तो बहुत खुश हुए देख के। और अभी मैं जा रही हूँ सेफोरा, क्योंकि प्राची ने कुछ बोला है लेने के लिए, एंड अभी 20% ऑफ चल रहा है, लेट्स सी उसका प्रोडक्ट कौन सा है क्या है, मुझे पता नहीं, फ़ोटो देखना पड़ेगा अभी मुझे। ये रहा सेफोरा, लड़कियों की खुशी की जगह, अभी मेरे लिए नो मोर, मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती है सेफोरा के, पहले बहुत अच्छा लगता था, बट अभी ना मुझे ऐसा कुछ एक्साइटमेंट लगता नहीं है सेफोरा के, क्या ही लूँ ऐसा लगता है, क्योंकि अभी स्किन बहुत अच्छा रिएक्ट करने लगी है, जब मैं मेकअप यूज़ करती थी ना बहुत डैमेज लगती थी मुझे स्किन, अभी बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही है स्किन, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसा है वैसा अच्छा है, ज़रूरत नहीं है, यू नो। तो फटाफट से लेते हैं इस उसको क्या चाहिए एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए अभी जब इस मॉल को आई गई हूँ तो मैं फेयर प्राइस जाऊँगी, वहाँ से दूध वगैरह लूँगी, एंड ऑल्सो अभी मैं H&M आ गई हूँ, क्योंकि H&M मेरा फेवरेट है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें H&M की ही पहनती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो अभी मैं देखने आई हूँ H&M में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ का चक्कर लगना तो मैंडेटरी है मेरा अगर इस मॉल में आई हूँ तो। और जनरली मैं सेल वाले सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा देखती रहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे आइटम्स होते हैं यार जब सेल पे होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स होते हैं, और मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे ऐसे खेलने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि छोटे हो गए ना लंबे बाल, मुझे तंग आ गई थी, मैं लिटरली तंग आ गई थी, सनी बोल रहे थे शॉर्ट मत कराओ, मुझे लंबे अच्छे लगते हैं आपके ऊपर बाल, बट देन फिर भी मैंने बोला कि प्लीज़ इस बार करने दो मुझे। और ये देखिए, एंड बाय द वे जो ये मैंने पहना है पैंट्स, ये भी H&M की ही है, इसमें दो तीन कलर्स हैं, मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ, ये पैंट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एक बारी मैं आपको लुक दिखाती हूँ, इसमें मैंने कौन सा
इसी पैंट्स में मैंने क्रीम कलर भी खरीदा है और ये ब्लैक कलर एक, क्योंकि ये सब पे जाता है। और इसकी फिटिंग देखिएगा, बहुत परफेक्ट फिट आती है ये, एकदम कोई झंझट ही नहीं है। और ये बटन है, पहनने में भी ईजी है। इसमें मैंने क्रीम कलर का भी खरीदा है, वो अगर यहाँ पे दिखा तो मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये कलर खरीदा मैंने, मैं लास्ट वीक आई थी यहाँ पे और मैंने ये कलर वाली एक और ख़रीद ली, क्योंकि इसमें जो कंफर्ट है ना वो बहुत अच्छा लगा मुझे इसका, तो इसीलिए मैंने दोनों शेड्स ले लिए। इसमें और भी ग्रीन वगैरह कलर्स थे, ऑलिव ग्रीन वगैरह, वो मैंने नहीं लिया, ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसका देखिए बटन ना ऐसा है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। लड़कियाँ विथ नेल्स कैन अंडरस्टैंड, वो जो इसमें डालने वाला ऐसा वाला होता है ना, ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है ऐसा वाला, ये बहुत ईजी लगता है, तो ये कलर भी मैंने ख़रीदा है। मुझे एक और पैंट अच्छी लगी है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सेम पैटर्न हो जाएगा वो, तो मैं ख़रीदूँ या नहीं पता नहीं। मेम्बर्स के लिए $35 की आ रही है ये, ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बट इसमें मुझे मुझे छोटा साइज़ चाहिए, बहुत बड़े बड़े साइज़ वाले हैं सर। हाँ ये छोटे, ये पैंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, बट पता नहीं फिर से वैसे ही सेम हो जाएगा पैटर्न, सोच रही हूँ मैं, लेट्स सी, सोचती हूँ एक चक्कर लगाने तक। सो ये शर्ट मैंने सनी के लिए ख़रीदी, तो ऐसी वाली कुछ अच्छी लगती हैं ऐसी शर्ट्स। सो एक ये मेरा हेयर कट, अभी वापस आके जस्ट चेंज किया मैंने, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं, मेरा ये फर्स्ट टाइम हेयर कट था सिंगापुर में बाय द वे, और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे 3-4 फ्रेंड्स से सुना हुआ था कि एक्सपीरियंस ख़राब होता है, जो आपके स्टाइलिस्ट होते हैं बहुत रूड होते हैं एंड हार्ड सेलिंग बहुत होता है। जैसे कि आप जाते हो ना, तो अगर वो कुछ हेयर मास्क वगैरह लगा रहे हैं आपके इसमें इंक्लूडेड है, तो वो फिर आपको पुश करेंगे, हार्ड सेल करेंगे कि आप टॉप अप कर लो, $20 एक्स्ट्रा दे दो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग करते हैं। मुझे दूसरे मामलों में हार्ड सेलिंग दिखा हुआ है पहले, बट आज के हेयर कट में मुझे कोई भी हार्ड सेलिंग नहीं दिखा, उन्होंने इनफैक्ट कुछ बोला ही नहीं, बस हाँ चलिए हेयर कट करना है ये वो, अच्छे से बात किया, ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्या क्या लगा रहे हैं, सब कुछ बताया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो आप एवॉन जा सकते हो, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, मैंने खुद अपने पैसे दे के हेयर कट कराए हैं, बट देन हाँ बहुत सारी लड़कियां जो सिंगापुर नए नए से आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कहीं पे हेयर कट वेयर कट कराने के लिए सोच रहे होंगे, तो एवॉन आई वुड सजेस्ट कि जा सकते हो आप। जनरली मैं जी निप बोल के है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने बहुत देखा है 25++ में हेयर कट वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे मुझे मैंने देखा, मैं ये ऑफर में लिया था मैंने, तो मुझे $40 का पड़ा है हेयर कट एंड ट्रीटमेंट टोटल, बट अगर आप जीनिप में अगर जाएगा तो पता नहीं मुझे ऑफर क्या चल रहा है वहाँ पे, आप देख के जा सकते हो। तो ये रहा समथिंग लाइक दिस सारा हेयर कट, अगर आपको पीछे से दिखाऊं तो एक्चुअली बाल थोड़े लंबे ही हैं, बट वो कर्ल करके स्टाइलिंग किए ना एंड में ब्लो ड्राई, तो उसकी वजह से शॉर्ट लग रहे होंगे, बट देखिए बैक में दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे अभी ये कर्ल्स जाएंगे तो ना यहाँ तक आ जाएंगे बाल, तो मिड बैक तक है मेरी लेंथ, एकदम शॉर्ट नहीं, बट सामने से मैं एक्चुअली बैंग्स कराना सोची थी, बट देन मुझे इनके ये लोग बैंग्स मतलब एकदम शॉर्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैं वो रिस्क लेने नहीं गई, तो मैंने बस ऐसा वाले ही छोटे वाले थोड़े से चिन लाइन तक के बैंग्स कराए। या ये मेरा एक्सपीरियंस था एवॉन से हेयर कट कराने का सिंगापुर में, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया, अच्छा लगा मुझे, ऐसा कुछ भी कहीं भी मैं अनकम्फर्टेबल फील नहीं कर रही थी, बहुत अच्छा था, एम्बियंस भी अच्छा था। सो या ये रहा एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने मेरे हेयर कट पे बनाया, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा एंड मेरा हेयर कट भी पसंद आया होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर अ न्यू लुक। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, एंड दिस मेड मी really happy today and I'm so happy for this. Bye bye.